गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए समसामयिक घटना चक्र की बुक से बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हल प्रश्न पत्र का संग्रह लेकर आया हूँ। आज मैं सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 1992 से लेकर 2020 तक के प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मेन पेज है घटना चक्र के बुक का, ठीक है। अब हम आते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। तो रसायन विज्ञान में हमारा आज का पहला क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस एक तत्व नहीं होता है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है, ठीक है। धातु मतलब मेटल्स, अधातु मतलब नॉन मेटल और उपधातु मतलब मेटल लॉयड में विभाजित किया गया है। अब हाइड्रोजन, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं। तो एंटोनी लेवेजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, किसको, तो एंटोनी लेवेजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, तो द्रव्यमान संख्या निकालना था। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। तो हमको प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है 18 और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 20, तो हम लोग क्या कर देंगे, तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 18 प्लस 20 बराबर 38 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu-94 और 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो ये ऊपर जो है 242 वो हमारा द्रव्यमान संख्या है और परमाणु क्रमांक नीचे जो रहता है इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो 94 हमारा परमाणु क्रमांक है, जैसे कि हम लोग प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, अगर हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देते हैं तो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या हमारा दिया हुआ है 242, ठीक है। अब प्रोटॉनों की संख्या 94, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है और ये 242 क्या होता है, द्रव्यमानों की संख्या होती है। तो हम लोग द्रव्यमान संख्या 242 हो गया। अब परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो ये इसको हम लोग परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं। तो हमको अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या में निकालने क्या करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में से द्रव्यमान संख्या बराबर ही होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या मेरा 242 दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद प्रोटॉन की संख्या मेरा 94 दिया है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 142
8, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फैराडे स्थिरांक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि फैराडे जो है स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यह 96,485 जूल पर मोल होता है। ठीक है, फैराडे क्या है, स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यह 96,485 जूल पर मोल होता है। अब निम्न में किसका पीएच मान 7 होता है, तो 7 किसका होता है, इसका हो जाएगा उदासीन, शुद्ध पानी, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान 7 होता है हमें पता है, और शुद्ध जल को भी हम लोग उदासीन माना जाता है, तो इसमें दो ऑप्शन हमारा टैली कर रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा, तो वर्षा का पानी का जल का शुद्ध का रूप होता है। ठीक है, तो हमारा दो आंसर इसमें टैली कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो पानी का पीएच मान, तो हमको पता है पानी का पीएच मान 7 होता है, अभी ऊपर की तरफ देखे ही थे। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी, तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, 3 से 6 जब बदला तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो पीएच में परिवर्तन डेल्टा पीएच बराबर क्या होता है, pH2 माइनस pH1 होता है, तो 6 माइनस 3 3 हो गया। ठीक है, तो H प्लस आयन की सांद्रता का अनुपात कैसे निकल जाएगा, तो H प्लस का 2 और H प्लस का 1 अनुपात। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10^-3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10^-3 बराबर 0.001 हो जाएगा, तो इसी को हम लोग 1/1000 कर सकते हैं, तो अतः H प्लस आयन की सांद्रता कितनी गुनी कम हो जाएगी, तो 1000 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होती है, तो ब्रोमीन लाल द्रव। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है लाल द्रव के फॉर्म में वाष्प होती है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। ब्रोमीन गहरा लाल रंग आधारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, तथा यह कमरे के ताप रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है, और यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस प्रयोग होती है। ठीक है, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। अब आइए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है, और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या है, सबसे अधिक प्रचलित विधि है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। ठीक है, तो जस्ते की परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पे हम लोग क्या करते हैं, जस्ते का परत चढ़ाते हैं। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर जस्ते मतलब जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसदलेपन मतलब गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो हमको पता है सल्फोनेट। कौन सा डिटर्जेंट है, सल्फोनेट है। डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, और डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, आद्रक तथा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह क्या है? वह है आपका, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो पसीना जो है मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। तो पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व तो पाए जाते हैं। तो अतः अभी उत्तर हमारा ई उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा ऑप्शन हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा को हम लोग ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। नीला थोथा को हम लोग रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है, ठीक है। कैसा होता है? नीले रंग का होता है। और जो नीला थोथा है जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य मतलब अल्कोहल में अघुलनशील है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो हमको पता है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? प्लेटिनम है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें अगले लिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है, तो उपयुक्त विकल्पों में से प्लेटिनम सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है, और चांदी का 10.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, और पारे का 13.54 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, तथा सोने का 19.32 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, ठीक है। तब स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे मुख धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता। तो इसमें एक से अधिक हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो यह जिप्सम है, ठीक है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जिप्सम जो है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है, को 373 डिग्री केल्विन पर गम करने पर या जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाता है, CaSO4 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अब 18वें पाए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पता ही है कि CaSO4 2H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O कैल्शियम हेमी हाइड्रेट। इसका निर्माण जिप्सम कैल्शियम हाइड्रेट को गम करने पर होता है। जब CaSO4 2H2O को जब 273 डिग्री केल्विन पर हम लोग गर्म करते हैं, तो ये CaSO4 1/2H2O प्लस 3/2H2O में टूट जाता है। तो CaSO4 1/2H2O को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक हाइड्रोजन कार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणुओं द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो वो एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। तो इसका देख लेते हैं हम व्याख्या क्या दिया है कि केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंधयुक्त संतृप्त वितरित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, और एल्काइन जो है वो त्रिबंध वाले संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजन बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक अम्ल है, तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH होता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल और इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है, और सिरके का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है जिसे कार्बोजिलिक अम्ल प्रक्रियात्मक समूह होता है, जिसमें कि कार्बोजिलिक अम्ल जो है वो प्रक्रियात्मक समूह होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो हमको पता है एसिटिक अम्ल, जो कि हम ऊपर अभी पढ़े हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी में वैद्युत अवघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी में वैद्युत अवघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम सोडा वाटर की जो बोतल खोलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। खनिज मिनरल क्या है? तो यह अकार्बनिक ठोस है। खनिज मिनरल एक अकार्बनिक ठोस है, एक प्रकार का क्या है? अकार्बनिक ठोस है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार खनिज मतलब मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना जो है वो रवाकृत होती है। तो खनिज मिनरल जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो हमको पता है प्लूटोनियम यहाँ पे प्रयुक्त किया गया था। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब 9 अगस्त को फैटमैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया था और दूसरा बम हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था। अब विस्फोटक के रूप में इसमें जो है नागासाकी पे जो गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था, और जो हिरोशिमा पर विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त दो दिन गिराया गया था नागासाकी और हिरोशिमा में। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में। एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, और क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्न किस प्रकार इस प्रकार है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, और फिर उसके बाद आयरन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, किसकी प्रक्रिया द्वारा? वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। और निकेल जो कि बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है, यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन
150 से 180 डिग्री सेल्सियस पे निकेल को गर्म किया जाता है उसके साथ, तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आयोडोकृत लवण में रहता है, तो क्या रहता है आयोडोकृत लवण में, तो पोटेशियम आयोडाइड। आयोडोकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है, क्या रहता है पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आइए हम देख लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडोकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेटेड, सोडियम आयोडेटेड एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। खाने का नमक NaCl किससे बनता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक जो NaCl किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl और KNO3। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो इसका कार्बन हो जाएगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो किसमें, केरोसिन में। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, केरोसिन में। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वो सिगरेट लाइटर में गैस प्रयुक्त होती है। अब ब्यूटेन एक क्या है, ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है, और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। तो ब्यूटेन क्या है, एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है और जिसका उपयोग हम लोग सिगरेट लाइटरों में करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो हमको पता है कि प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। अब बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं, और बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है और आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CCH3CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो टेफ्लॉन हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन किसका है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। किसका बहुलक है, टेफ्लॉन, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अब आइए हम लोग इसमें यहाँ पर देख लेते हैं। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका जो घनत्व है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक लगभग 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बैकेलाइट बनता है। अब आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि बैकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइले मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड है। यह थर्मोस्टेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 ईस्वी से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकेलैंड ने की थी। तो बैकेलाइट एक आरंभिक
प्लास्टिक है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड है, ठीक है। यह क्या है, थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड हमारा एक प्रकार का वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक प्रकार का हमारा वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला वसा फैट का एक प्रकार है। हमारे शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है और ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। कहाँ संचित होता है, कोशिकाओं में संचित होता है। आइए अब हम देखते हैं, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है। तो फिल्टर पेपर का पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इसकी व्याख्या के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस एक्सहेल्ड ब्रेथ को पोटेशियम काइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है और ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है। तो इसमें घरेलू ईंधन के एलपीजी में क्या होता है मुख्यतः, तो हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। तो हमारा प्रोपेन भी यहाँ दिया हुआ है और ब्यूटेन भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन आदि मिलाया जाता है, ठीक है। तो एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन आदि मिलाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है तो क्या होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जलवाष्प भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, ओजोन भी होता है। तो इसका हमारा तो ये भी हो जाएगा, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करता है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। क्या उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता, इससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, साबुन ग्रीज को हटाता है कैसे, तो पायसीकरण द्वारा। साबुन जो है पायसीकरण विधि द्वारा ग्रीज को हटाता है। अब आइए हम व्याख्या में देख लेते हैं, पायसी कारक जो है सामान्यतः ध्रुवी समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणार्थ साबुन
सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण है और साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा C17H35 जो कि वसा में घुलनशील तथा दूसरी जल में विलेय ध्रुवी भाग COONA+ समूह जो कि पाइसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवी एल्किल समूह तेल या ग्रीज को घोल लेता है तथा ध्रुवी समूह जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार से रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाता है और जल के बहाव में सरलता से बह जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में पदार्थ दिया है और उसके उपयोग दिया है, ठीक है। तो हमको पता है कि हम लोग जो है फ्रेयॉन का जो उपयोग है वो किस रूप में करते हैं, फ्रेयॉन का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, फ्रेयॉन बी हाँ प्रतिशत प्रसितक के रूप में करते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि सूची 1 में पदार्थ और सूची 2 में उपयोग। तो फ्रेयॉन का उपयोग हमें पता है कि हम लोग प्रसितक के रूप में करते हैं, ठीक है, और एस्पार्टेम का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कृत्रिम मधुरक के रूप में यूज करते हैं, किसमें, कृत्रिम मधुरक के यूज में। और नियोप्रीन का उपयोग संश्लेषित रबर में किया जाता है, नियोप्रीन का उपयोग कहाँ होता है, संश्लेषित रबर में, और बेनाड्रिल प्रति हेस्टेमिन में। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो हमको पता है कि H2SO4 की मात्रा जो है वो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः क्या बनाती हैं, क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं, इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा एसिड रेन कहते हैं। और अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है, तो इसका हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से, तो हमारा पता है कि अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा। और इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से भी होता है, पेट्रोल से भी होता है, और ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है, अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है, तो हमारा इसमें ऑप्शन ई करेक्ट हो जाता। अगर इसमें ऑप्शन ई रहता तो वो हमारा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाता। अब शुष्क बर्फ क्या है, तुम्हें पता है कि शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूने का जो पानी है लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जली विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का जो पानी है वो दुधिया हो जाता है। COOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 तो बराबर CaCO3 प्लस H2O, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी CO2 हो जाएगा। अब हम आते हैं 51 पे। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है
और द्वितीयक सेल में विद्युत अवघट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचाई बैटरी भी कहते हैं। और कारों एवं ट्रकों इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियाँ द्वितीय बैटरियों की ही उदाहरण हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? तो आपको हीरा में तो कार्बन होता ही है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयले में भी कार्बन होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपरूप हैं। और इसमें क्या कार्बन का एक और अपरूप होता है जो उसका नाम है फ्लोरीन। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। निम्न में से सबसे सख्त कौन है, हार्ड कौन है? तो हार्ड हीरा ही होता है, सबसे ज़्यादा सख्त कौन है इसमें से? हार्ड हीरा होता है। तो हीरा क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है और इसके फलस्वरूप त्रिमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो खाने की वस्तुओं में परिरक्षण में कौन? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है? इसका सोडियम बेंजोएट का, तो सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग है वो खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। पारद धातु मिश्रण है तो किसका? पारद युक्त मिश्र धातु होती है इसमें। तो पारद धातु मिश्रण में पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण कैसा होता है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन है? तो मीथेन है। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से भी प्राप्त किया जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो हमारा पारा, जो कि धातुओं में और अधातु में अगर पूछेगा तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। तो पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा जो है वो गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है क्या है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं है। तो पीतल के जब बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू आपको पता है साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो है वो खट्टा होता है, ठीक है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण यह क्या होता है? खट्टा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 61 पे हम आते हैं। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो वाहनों से निकलने वाली गैस, तो यार मुख्यतः वाहनों से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। तो इसका तो एक से ज़्यादा आंसर हो रहा है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए था। हम आ गया क्वेश्चन नंबर 62 पे। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा जो है वो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता एवं सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बन जाता है। कठोरता बढ़ाने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है, ठीक है? तो कार्बन की मात्रा हम लोग बढ़ाते जाते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिंच ब्लेंड से। किससे? पिच ब्लेंड से। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है
लेकिन पिच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का ही शोधन किया था, जिन्हें कि नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया था। मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है जिन्हें कि दो विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है, भौतिकी और रसायन दोनों के लिए। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है वो जल जाती है क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है वो जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है और क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जो है वो जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को हम लोग जलाएंगे तो उससे क्या होगा? तो H2O को जलाने से जल का निर्माण होता है, ठीक है। 2H2O + O2 = 2H2O हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? पानी का निर्माण होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। सोने को घोला जा सकता है, ठीक है। तो सोने को एक्वारेजिया में घोला जा सकता है और एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब हम आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह जो है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता, H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है, यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है, इसलिए इसको नहीं रखा जाता है। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड में से अभिक्रिया कर लेता है इसलिए उसमें नहीं रखा जाता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु है कौन सा? तांबा। तो वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर क्या होता है? हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की जो है परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है, इसे पटीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पटीना कहा जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है क्या है? तो एक एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर है जिसका जो उपयोग है वो विस्फोटक की तरह किया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि यह LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। LPG में जो है अत्यधिक दाब पर संपीड़न कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा। हेमेटाइट अयस्क से क्या होता है? लोहे की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलेय होता है, ये गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण सही है, अक्षिकारक है सही है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जल में अधिक विलेय होता है, ये हमारा असत्य है। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस क्या होता है? बाहर निकल जाती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रित होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। जैसे कि CaOCl2 + CO2 = CaCO3 + Cl2 और CaOCl2 + 2HCl = CaCl2 + H2O + Cl2 और CaOCl2 + H2SO4 = CaSO4 H2O + क्लोरीन। क्लोरीन गैस यहाँ पे प्रदान कर रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व क्या होगा?
इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 × पीतल बराबर 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग तांबा, ठीक है। 3 × पीतल, 3 × पीतल बराबर 1 भाग जस्ता का और 2 भाग तांबा का। तो 1 भाग जस्ता का 7100 है और प्लस 2 भाग तांबा का 2 × 8900, तो टोटल कितना हो जाएगा 24900। तो 1 भाग पीतल का निकाल लीजिए तो 24900 में 3 का भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव हो जाता है और बर्तन क्या हो जाता है? ऋण ध्रुव के रूप में परिणित हो जाता है। अब हम आते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो क्या हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लोहे निकेल का सही है, लोहे क्रोमियम का, तांबे क्रोमियम का, लोहे और जस्ते का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, स्टेनलेस स्टील जो है धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संगठक इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, कार्बन होता है। आयरन 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25% होता है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका किसका? तो लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहे और क्रोमियम का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा जो है धनावेशित होता है, बीटा ऋणावेशित होता है और गामा जो है उदासीन किरणें होती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण कौन? ऋणात्मक आवेश, बीटा ऋणावेशित होता है। तुम्हारा बीटा किरण ऋणावेशित होता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इसका क्या हो जाएगा? 2882, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 2882 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्षारीय मृदा धातु है। 28 जो है वो अक्रिय गैस नियॉन का है, ठीक है, किसका है? 2810 अक्रिय गैस नियॉन का है, क्योंकि नियॉन का 10 होता है तो 2818 होता है ना, तो 288 और 2, हाँ, और 287 किसका है? हेलोजन क्लोरीन का है, और 288 अक्रिय गैस ऑर्गन का है, ठीक है। और हमसे तत्व का पूछा है तो हमारा ऑप्शन डी हमारा नियॉन हो जाएगा। अब हम आता है क्वेश्चन नंबर 79 पे, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा 3। CO समूह का जो आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। तो आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। जो CO समूह का जो आबंध क्रम है वो 3 है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो हमारी द्रव्यमान संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर जो है हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा क्या हो जाएगा? XH4, ठीक है, XH4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं
स्थायित्व प्राप्त करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अतः बाह्यतम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ चार हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे, तो इस प्रकार XH4 का निर्माण करेगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 और 3। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसका सूत्र C6H6 होता है, ठीक है, और इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और दो से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से बंधा रहता है, ठीक है, और कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित बनाया गया है, तो इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बांध होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 12 सिग्मा और 3 पाई बांध होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है, यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे, इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लेता है, आइसोटॉप ले लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। किस परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, आइसोटॉप किसे कहते हैं, वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं, ठीक है, परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, उन्हें समस्थानिक मतलब आइसोटॉप कहते हैं। दूध क्या है, तो दूध हमारा इमल्सन का एक उदाहरण है, दूध उदाहरण है किसका, एक इमल्सन का, तो इमल्सन एक कोलाइड होता है और दूध फेस क्रीम द्रव इमल्सन का उदाहरण है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। एल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है, तो इथाइल एल्कोहल है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन किण्वन फर्मेंटेशन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को यीस्ट मतलब खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रम में मोलसेज सीरा अथवा गन्नों एवं फलों से प्राप्त शर्करा शक्कर अथवा विभिन्न प्रकार के अन्नों से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेस की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों के सूत्र C6H12O6 हैं। तो C12H22O11 में शर्करा में जब हम H2O को मिलाते हैं इन्वर्टर्स के थ्रू तो हमारा C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यह टूट जाता है C6H12O6। हम आते हैं और फिर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों एक अन्य एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और इन्वर्ट्स एवं जाइमेज दोनों एंजाइम यीस्ट में विद्यमान होते हैं। तो C6H12O6 जाइमेज के साथ 2C2H5OH + 2CO2 इथाइल अल्कोहल बना लेता है। अब ग्लूकोज के को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज के द्वारा। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा, तो जाइमेज के द्वारा, अभी हमने ऊपर उसका वर्णन किया है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे C6H12O6, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। हम आते हैं यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व तो कौन कौन से हैं, तो इसका हो जाएगा कि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 का होल ट्वाइस होता है। यूरिया में लगभग 76.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है और कार्बनिक रसायन
के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी CHNO। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शोधन अभिकर्ता है अपमार्जक। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। तो अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है, यह एक प्रकार का शोधन अभिकर्ता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या करता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो हमारा वनस्पति तेल, ठीक है। तो जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं और इस अभिक्रिया को ही हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं। तो पीतल में तांबा और जस्ता पाया जाता है। तो पीतल में तांबा मतलब कॉपर एवं जस्ता मतलब जिंक धातुएं हैं। तो पीतल में कौन कौन सी, तांबा और जस्ता, कॉपर एवं जिंक धातुएं हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, तीसरे और चौथा समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। तो यह बेसिक एवं एसिडिक होते हैं, एम्पोटेरिक। तो तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है, बेसिक और एसिडिक है। ये रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है। तो रेडियो जो धर्मी पदार्थ है वो अल्फा बीटा गामा तीनों उत्सर्जित करता है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। क्या है, तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ से अल्फा बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, यह किरणें क्रमशः धनावेशित ऋणावेशित एवं उदासीन होती हैं। अल्फा किरणें हमारी जो होती हैं वो धनावेशित होती हैं, बीटा किरणें ऋणावेशित और गामा किरणें वित्त उदासीन होती हैं। अब हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है। तो हमको पता है नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78%। तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर, वायु क्या है। वायु एक आपको मिश्रण है, वायु क्या है, वायु कई गैसों का क्या है, एक मिश्रण है जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन और जीनॉन पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है। वायु क्या है, प्रकार का मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, तो एलिथ्रीन होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, एलिथ्रीन होता है। तो एलिथ्रीन नामक जो यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या होता है, सक्रिय रसायन है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो कठोर पानी वह है जो अपमार्जक साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। हास्य गैस क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। पता है आपको हास्य गैस क्या होता है, ठीक है। हास्य गैस क्या होता है, तो क्या होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसे सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एनेस्थीसिया के रूप में भी करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड को। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण हम लोग किसमें नापते हैं, डेसिबल में, ठीक है। और ओजोन छिद्र कैसे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। एक मिनट, चलिए तो इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो त्वचा कैंसर कैसे होता है, पराबैंगनी प्रकाश से, ठीक है।
पराबैंगनी प्रकाश से हमारा क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। ध्वनि प्रदूषण में किससे, डेसिबल के द्वारा नापा जाता है। और वैश्विक तापमान जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और ओजोन क्षेत्र में कैसे होते हैं ओजोन क्षेत्र, ज़्यादा जो हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर एसी ये सब चला रहे हैं हम लोग, सीएफसी का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते ओजोन परत में छिद्र हुई है। ठीक है, इस प्रकार हमारा आज का रसायन विज्ञान का टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 1992 से लेकर 2020 तक का यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।